और वहीं जंग के बीच रूस के विदेश मंत्रालय का भी एक स्टेटमेंट आया है कि यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेटस में ले जाना हमारा टारगेट है। ये रूस कह रहा है यूक्रेन संकट के लिए नेटो देश जिम्मेदार। नेटो देशों को कटघरे में रूस ने खड़ा कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर निशाना साधा। डोनबास के लोगों को बचाना हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है, ये कह रहा है रूसी विदेश मंत्रालय। नेटो को घेरा, अमेरिका को घेरा, रूस की तरफ से यह दावा। और बैटल ग्राउंड से इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया है। एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सेना पर अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस एंटी टैंक मिसाइल से रूसी टैंक को उड़ाया गया। यूक्रेन के हमले का ये ड्रोन वीडियो सामने आया है, किस तरीके से टैंक नीचे जा रहा था और उसके बाद यूक्रेन ने रूसी टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही हिट करती है मिसाइल इस रूसी टैंक को, एक बड़ा धमाका होता है और आग का गोला और धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आता है। लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हमले का ये वीडियो सामने आया है और ड्रोन के जरिए इसे उड़ाया गया है। लेकिन इसी बीच में बात हो रही है न्यूक्लियर धमकी की, न्यूक्लियर वेपन्स की, जैविक हथियारों की। ऑगस्टीन सर, क्या इस सिनेरियो में ये समझ में आ रहा है, खासतौर पे जब रूस कह देता है कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, इसके लिए नेटो जिम्मेदार है और यूक्रेन ये कह देता है कि अब नेटो और अमेरिका से बहुत ज़्यादा उसे उम्मीद है नहीं मदद की, तो ऐसे में लगता है आपको कि अब ये न्यूक्लियर वेपन की बात करना, बायो वेपन की बात करना कुछ बेमानी सा नजर आता है और बातचीत के जरिए हल निकलने की संभावना दिख रही है क्या आपको? देखिए, जब पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन की बात की तो उस नहले पे दहला अगर कोई कोई चीज बैठ सकता है वो है बायो वेपन। और ये 30 बायो वेपन सेंटर की जो बात कर रहे हैं उसमें से 30ों के 30 आप उठा करके देखेंगे तो वो इम्यूनोलॉजी और उन सब चीजों पे रिसर्च सेंटर है जिसको बायो वेपन सेंटर में कन्वर्ट करने में कुछ समय नहीं लगता है, चंद घंटों की बात है वो चेंज हो जाता है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर पूर्णिमा जी और अंकिता जी इस पे है कि जो हंटा वायरस करके एक ऑर्थो हंटा वायरस जिसपे यूक्रेन बहुत समय से काम कर रहा है, जो सांस लेने में हमको परेशानी पैदा कर देता है और मौत बहुत भयंकर तरीके से आती है, अपने कोरोना वायरस से भी बहुत बुरा वायरस, बिल्कुल अगर कहीं इस लड़ाई के दौरान उस वायरस का अगर लीक हो गया जैसे वुहान में हुआ था और दुनिया इस चपेट से, दूसरे वायरस की चपेट से निकलने में बहुत समय लेकिन लगेगा। लेकिन सर, इसमें बायो वेपन का होना, उसको तैयार करना और उसका इस्तेमाल करना, क्या ये दो अलग अलग चीजें भी हैं? क्योंकि BWC भी एग्जिस्ट करता है, इस पर भी बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।